इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर छत्तीसगढ़, सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद, सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन दिल्ली, अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, हमारे जीवन में चार लोगों का बड़ा महत्व हुआ करता है। कौन से चार लोग? हमारे जीवन में चार लोगों का बड़ा महत्व हुआ करता है। कौन से चार लोग बताइए? हमारे जीवन में चार लोगों का बड़ा महत्व हुआ करता है। कौन से चार लोग? जीवन भर आपके साथ में रहे ना रहे, लेकिन अंत समय में चार लोग कंधा देकर ही पहुंचा सकते हैं। यदि वो चार लोग ना हो तो आदमी का सब भी जा नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा कि जीवन में, पूरे जीवन में तो चार नहीं, 400 नहीं, 4000 लोग मिलते हैं, लेकिन अंत समय में चार लोग ही काम आते हैं। और वह चार लोग जो हैं वह आपको चारों धाम की यात्रा करा देते हैं। जीवन में वैसे चार का विशेष महत्व होता है। गति कितनी होती है? चार। अनुयोग कितने होते हैं? चार। आप सभी जानते हैं कि गति भी चार होती हैं, अनुयोग भी चार होते हैं। सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है कि सारी की सारी कसाई कितनी होती है? चार। तो सब चीजें हमारे जीवन में चार चार हो रही हैं। और एक जमाना था कि अभी कलश में सिक्का डाला जाएगा, उसको छोटे से क्यों क्या कहते हैं? चवन्नी। और चवन्नी को भी एक और कुछ कहा जाता था पहले, चाराना। क्या कहा जाता था? चाराना कहा जाता था। कहने का मतलब होता था कि चाराना यदि किसी बच्चे को दे दिया आज से 25-50 साल 30 साल पहले तो बड़ा खुश हो जाया करता था। कि चार का बड़ा जीवन में महत्व हुआ करता है। और अधिकतर भी आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग ग्रस्त में थे और ट्रेन में सफर करते थे तो वहां पर स्टेशन पर बोर्ड लगा रहता था, हम दो। 25 साल पहले की बात बता रहा हूं, आज का मुझे पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन 25 साल पहले बोर्ड लगा था, हम दो, हमारे दो। कि जीवन में चार का बड़ा महत्व है, लेकिन उन चार तक पहुंचा कैसे जाता है, उन चार तक जाया कैसे जाएगा, उन चार तक पहुंचा कैसे जाएगा? तो हम लोग सभी लोग अपने लक को सही करने में लगे हुए हैं। लोग मेरे पास ही आते हैं कि महाराज जी मेरा तो बैड लक चल रहा है, मेरा लक खराब चल रहा है, मैं अनलकी हूं, मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूं। लक जो बनता है वह कितने अक्षर से मिलकर बनता है? दो, ला और का। क्या होता है लक हिंदी में? लक क्या होता है? दो अक्षर का लक होता है। कई लोग आते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य सोया हुआ है, मेरा भाग्य बिल्कुल काम भी नहीं कर रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ देता नहीं है, मुझे मेरा भाग्य हीन हो तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। भाग्य जो अक्षर है, भाग्य जो शब्द है, उसमें कितने अक्षर हैं? ढाई, आधा है ना गा। तो क्या हुआ, लक में दो, भाग्य में ढाई। कहते हैं कि भाई मेरा लक खराब है, मेरा भाग्य खराब है। और कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी मेरा तो नसीब ही फूटा है। कहते ना कि मेरा तो नसीब ही फूटा है, मैं तो बदनसीब हूं, वह कितना खुश नसीब है। अरे भाई तुम बदनसीब इसलिए हो कि तुम खुश नसीब को देख देख कर परेशान हो रहे हो। आधे से ज्यादा आदमी तो इस समय बदनसीब इसलिए हो रहा है कि वह खुश नसीब को देखकर जल रहा है, खुश नसीब को देखकर जल रहा है। एक बार क्या हुआ, राजा अकबर के किस्से आपने सुने होंगे, जहां जहां पर जैसे प्रचलन में है कि राम का नाम आता है वहां पर साथ में किसका नाम जरूर आता है? हनुमान का नाम जरूर आएगा। राम के मंदिर में हनुमान की मूर्ति फोटो जरूर मिल जाएगी, लक्ष्मण सीता की मिले ना मिले। पारसनाथ भगवान का जब नाम आएगा तो साथ में किसका आता है? कमठ का जरूर आएगा। कई मंदिरों में जैसे अपने मंदिर पद्मावती जी नहीं है, लेकिन कमठ के भाव जरूर बने होंगे, शायद बने क्या ऊपर। तो पारसनाथ भगवान का नाम आएगा तो कमठ का नाम जरूर आएगा। उसी प्रकार से जब अकबर के नाम की चर्चा चलती है तो किसका नाम आता है? अकबर के साथ में कौन होता है हमेशा?
बीरबल होता है, उसका मंत्री हुआ करता है। एक बार नसीब की बात बता रहा हूं कि आज के लोग बदनसीब क्यों हैं, कि खुश नसीब वालों को देखकर जलते हैं इसलिए बदनसीब होते हैं। एक बार अकबर के दरबार में लोग बीरबल से बड़ा परेशान रहते थे, जलते थे। परेशान होना अलग चीज है और जलन होना अलग चीज है। परेशानी आदमी समस्याओं से होता है, लेकिन जलन दूसरे की बढ़ती से होता है। तो वहां पर दरबारी परेशान थे, उन दरबारियों ने सोचा कि बीरबल को मजा चखाया जाए, तो तरह तरह के उपक्रम करते, लेकिन बीरबल को मजा चखा नहीं पाए और अपनी बुद्धिमानी से सारे हल कर देता। एक बार उन्होंने राजा के पास में दरबारी प्रश्न लेकर गए कि हजूर ये बताइए कि आपकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। हथेली होती ना हथेली, हथेली में बाल क्यों नहीं, पूरे शरीर में बाल है लेकिन हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो राजा लगा या तो बड़ा पेचीदा प्रश्न हो गया, हथेली में बाल क्यों नहीं। उसने बीरबल को बुलाया, बीरबल ने बोला हजूर आपकी हथेली बाल क्यों नहीं है, क्या बताऊं। ऐसे ही कहा तो दरबारी बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज जो है बीरबल को मुर्गी खाना पड़ेगी। तो इतने में उसने कहा आप दान देते हो, क्या कहा, आप दान देते हो इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करना चाहता है, कोई व्यक्ति आपको समस्या में लाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपको तंग करना चाहता है, तो आप कितना भी बचने का प्रयास करो, कितना भी बचने का प्रयास करो, वह अपनी आदत से मजबूर रहेगा। यदि किसी को तकलीफ देना है, आप कितना भी अच्छा कर लो, आप बिल्कुल भी झाड़ू को लगा लगा के साफ कर करके पूरी जमीन को पूरा चिकना कर दो, साफ कर दो, लेकिन उसमें भी वह कोई ना कोई दोष निकाल देगा, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। तो दरबारी परेशान, उन्होंने फिर दूसरा प्रश्न लेकर गए कि चलो आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान देते हो, लेकिन बीरबल की हथेली में बाल क्यों नहीं, बीरबल की हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल ने पहले सोचा अरे मेरी हथेली में बाल, फिर उसने कहा मेरी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं, आप दे रहे हो और मैं ले रहा हूं। तो सारे दरबारी निरुत्तर हो गए, लेकिन उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं आई। 15 दिन बाद फिर आए और आने के बाद में कहा अच्छा ये बताइए कि उसके हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्यों आप वो लेता है और आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप देते हो, तो हम सब दरबारियों की हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये तो बड़ा पेचीदा प्रश्न हो गया भाई, एक ने बता दिया देता है, एक ने बता दिया लेता है, लेकिन दरबारियों की हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो फिर बीरबल के पास प्रश्न आया सभासदों के सामने। बीरबल ने थोड़ा अपना सिर को ऐसा किया, चिंतित मुद्रा में हुआ, आपके सामने आकर मेरे सामने आकर जब कोई सिर को ऐसा करता ना, मैं समझता हूं कि यह आदमी जवाब देने के विचार में नहीं है। आपके सामने यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछो और वो अपने सिर को ऐसे खुजली करने लगे, ऐसा उदास बैठ जाए, तो आप क्या समझते हो, या तो इसको आता नहीं है या ये जवाब देना चाहता नहीं है, बोलना चाहता नहीं है। तो बीरबल ने कहा लेकिन मुझे माफ जरूर कर देना, मैं बता तो देता हूं। अरे बोले बोले बोलो, बात इतनी सी है, आप दान देते हो, आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं, आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं, और ये सारे दरबारी दान देते देखकर हाथ को मला करते हैं, आप देते हो मैं लेता हूं और ये सारे हाथ को मला करते हैं, इसलिए इनकी हथेली में बाल नहीं है। तो खुशनसीब आदमी तो खुशनसीब है, लेकिन बदनसीब आदमी बदनसीब इसलिए है कि वह खुशनसीब को देखकर जल रहा है, तो इसलिए उसका नसीब बदनसीब हो रहा है। तो बता रहा था मैं आपको, दो अक्षर का क्या बताया लक, ढाई अक्षर का भाग, तीन अक्षर का नसीब, और 3.5 अक्षर की होती है क्या होती है, किस्मत। मेरी तो किस्मत, क्या बोलते हैं बोलिए ना, आप लोग की नहीं, लोगों की सुनते हो, क्या बोलते हैं, मेरी तो किस्मत फूट गई, मेरी तो किस्मत खराब निकल गई, मेरी तो किस्मत इस तरह की निकल गई, मेरी तो किस्मत ऐसी निकल गई, मेरी तो किस्मत वैसी निकल गई। अरे किस्मत कभी खराब नहीं होती, खराब बनाने वाले हम और आप खुद ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की किस्मत भगवान ने कोरी छोड़ दी है, अब आप चाहो तो अपनी किस्मत को अच्छा बना लो और आप चाहो तो अपनी किस्मत को खराब बना लो। तो क्या है, 2 अक्षर का है लख, 2.5 अक्षर का है भाग, 3 अक्षर का नसीब है, और 3.5 अक्षर की है
किस्मत, लेकिन इन सब को चलाने के लिए लक भी बंद हो सकता है, भाग भी बंद हो सकता है, नसीब भी खराब हो सकता है, किस्मत भी खराब हो सकती है, लेकिन इन सब को चलाने के लिए आपको करना पड़ेगी चार अक्षर की मेहनत। क्या है? चार अक्षर की होती है मेहनत। मेहनत में कितने अक्षर होते हैं? चार होते हैं। तो लक आपका गुड लक हो जाएगा, भाग आपका जाग जाएगा, नसीब आपका चलने लग जाएगा और किस्मत आपकी खुल जाएगी, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? चार अक्षर की होती है मेहनत, कि आप मेहनत को करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो है गुड लक हो जाएगा, नसीब सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए। बिना मेहनत करे किसी को कुछ नहीं मिलता। आज मेरी बातों को लोग सुनते हैं तो ऐसे ही नहीं सुनते कि समिति वाले लाए और बैठा दिया, सुनते हैं। सुनते इसलिए हैं कि जो हमारे साधु महाराज होते हैं वह कितनी तप तपस्या करते हैं, व्रत नियम करते हैं, उसके बाद में जो आपको सुनाते हैं उनको अपने जीवन में उतारते हैं, इस कारण से सुनते। होता है ना, आप से कोई कहे, आपका पड़ोसी आपसे कह दे कि आज टमाटर मत खाना, आपका पड़ोसी आपसे कह दे आप टमाटर मत खाना, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलिए। क्यों? मैं तुम्हारा सुनता हूं क्या? मैं आगे की बात नहीं बोल सकता, आप समझ जाइए कि मैं तुम्हारा सुनता हूं क्या जो टमाटर नहीं खाऊंगा। और यहां पर आप आए और मैंने कह दिया आज टमाटर का त्याग है, तो फिर क्या बोलते हो? महाराज जी आज नहीं करेंगे? क्या बोलते हो? जी महाराज जी। घर में आपके पति कह रहे आज तो सब्जी टमाटर की, अरे बोले कोई बात नहीं आज मत खाना। मतलब क्यों? क्योंकि हम लोग खुद त्यागी पुरुष हैं, त्याग की बात करते हैं, इसलिए आप जाके सुनते हो। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनत करता है जब जाकर वह महान बनता है। बिना मेहनत करे कोई भी इंसान महान बन ही नहीं सकता। तो आपका जीवन मेहनत से, परिश्रम से ही सही होगा। आपके पास में, आपके गार्डन में माली ने आकर हरी घास लगा दी, वह हरी घास कब तक हरी घास रहेगी बताइए? आपके बगीचे में आपके बागवान ने, आपके माली ने हरी घास को लगा दिया, अब वह हरी घास कब तक हरी घास रहेगी? जब तक आप उसको मेहनत से हरा भरा रखते रहोगे। जितना ध्यान आप अपने शरीर का रखते हो उतना ही ध्यान आजकल आप अपने बाग बगीचे का रखते हो। महानुभाव, बिना मेहनत के आपकी किस्मत के ताले खुल ही नहीं सकते, बिना परिश्रम के आपका भाग्य जाग ही नहीं सकता, बिना कार्य करे आपकी किस्मत की कुंजी खुल ही नहीं सकती। मेहनत करने का प्रयास करें, परिश्रम करने का प्रयास करें। आजकल थोड़ा सा क्या है, मेहनत कम कर दी, परिश्रम कम कर दिया और हम अपने जीवन में बहुत कुछ चाह रहे हैं। एक बार मैं रस्ते से बिहार कर रहा था, रस्ते में भिखारी खड़ा था, प्रातःकाल के समय था, तो मैंने, बहुत पुरानी बात है, लगभग 2010 की बात होगी, तो मैंने साथ के लोगों से कहा कि देखो कैसी दयनीय स्थिति है, आज सभी लोग छप्पर के नीचे तो सोते हैं, ये कैसा बिना छप्पर? आप कभी मेरे साथ बिहार में आते हैं ग्रीन पार्क लोधी रोड से, आप रस्तों में देखिएगा आप सोते रहते हैं, लोग यहीं आसपास भी रहते हैं सारे। तो ये बात उसने सुन ली जो मैं बात बोल रहा था, उसने सुन ली, बोले महाराज जी मुझे तो आशीर्वाद दो। मैंने कहा सोच, कह रहा हूं आशीर्वाद दो कि मेरा जीवन अच्छे से निकल जाए। बोले मुझे तो आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में मैं कुत्ता बनूं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल हो गया, कोई इंसान मैंने पहला ऐसा देखा जो आशीर्वाद मांग रहा है कि अगले जन्म में मैं कुत्ता बनूं। मैंने कहा भाई ये बात ठीक नहीं है, आप ये कहो कि मेरा यह जन्म अच्छा बने, मैं अच्छे तरह से अपने जीवन को मेहनत करूं, परिश्रम से बनेगा। मले नहीं, मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पता है कि जैनियों के जो गुरु कह देते हैं वह काम हो जाया करता है, तो मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में मैं कुत्ता बनूं। मैंने कहा बड़ा कमाल है, ये आदमी कुत्ते बनने की बात कर रहा है। फिर उसको समझाया, जब नहीं समझा तो भैया हम अपना बिहार कर लिया, हमें आगे चलना था। इतने में मैं जब आगे चला एक दो किलोमीटर आगे चला होगा, तो मैंने देखा एक 12-13 साल का लड़का चल रहा था, 12-13 साल का लड़का, 14 साल का लड़का था, उसकी गोद में एक छोटा सा 1-2 साल का बच्चा था, उसकी गोद में 1-2 साल का छोटा सा बच्चा था। तो जैसे उसने मुझे देखा, 14 साल के लड़के ने, वो भाई आया और बोले बाबा जी को जय करो, बाबा जी को जय करो। मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा ये कौन है? बोले महाराज जी मैं जैन मैडम क्या काम करता हूँ, जैन साहब क्या काम करता हूँ, उनका बच्चा है। मैंने उसको आशीर्वाद दिया। देखिए आपके घर में जो कर्मचारी होता है, जो आपके साथ में रहता है, उसको जैन धर्म के संस्कार तो मालूम चल जाते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा,
100-200 मीटर में आगे बढ़ाऊंगा, 500 मीटर आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने देखा एक महिला सफेद कलर के कुत्ते को गोद से चिपकाते हुए दौड़ रही थी। एक महिला सफेद कलर के कुत्ते को चिपकाकर गोद से गोद में लेकर दौड़ रही थी। मुझे देखा तो उसने भी बोला नमस्ते महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने मुझे देखा उसने कहा नमस्ते महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा गोद में कौन है, मैंने कहा गोद में कौन है, तो कहने लगी महाराज जी ये मेरी पप्पी है। मैंने पूछा कि ये गोद में कौन है, तो उसने कहा कि ये मेरी पप्पी है। मैं आगे बढ़ गया और साथ के लोगों से मैंने कहा भिखारी ने अच्छा हुआ ये कहा कि मुझे अगले जन्म में कुत्ता बनाना, जब मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो कम से कम बड़े बड़े लोग अपने बच्चे को छोड़कर मुझे गले में चिपका के तो भागेंगे। आज यही हो रहा है, बच्चे को छोड़ा नौकर के हवाले और कुत्ते को लेके घूम रहे हैं आदमी। ये संसार की स्थिति है। और ध्यान रखना कि जो कुत्ते को साथ में लेकर चिपक रहे हैं इनका संकेत है कि अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे। जैसा तुम इस जन्म में काम करते हो वैसा ही मिलता है। बैंक में जितना पैसा जमा करोगे यदि बैंक में तुम पैसा छोड़ के जाओगे तो घर वालों को फायदा होगा और लोन लेकर जाओगे तो नुकसान होगा। तो कुत्ते को लेकर घूमोगे, कुत्तों के साथ में घूमोगे तो क्या होगा, अगले जन्म में कुत्ते बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इंसान के साथ में घूमोगे, कुत्ता भी जब इंसान के साथ में घूमता है तो उसको भी मालूम चल जाता है कि किसी जैनी के कुत्ता हो। वैसे कुत्ता पालना नहीं चाहिए, लेकिन यदि मान लो किसी जैन के यहाँ पे होता है तो जैनी के घर में उसको गलत चीज खाने को नहीं मिलती, तो जब उसको गलत चीज खाने को आती तो वो नहीं खाता, क्योंकि रहते रहते उसको भी समझ में आ जाती कि ये नहीं खाना। लेकिन इंसान को समझ में आ ही नहीं रही। हम भी समझा रहे हैं, आप भी समझा रहे हो, सभी समझा रहे हैं। तो बात यहां पर चल रही थी कि जीवन में चार का बड़ा महत्व है। आप मेहनत करोगे, आप परिश्रम करोगे तो आपको चार गति से छुटकारा भी मिल जाएगा, चार कसाय से भी मुक्ति मिल जाएगी, चारों धाम की यात्रा अपने आप हो जाएगी। और जब अंत समय में ले जाया जाएगा, देखो ले जाया सबको ही जाएगा, हमको भी आपको सबको ले जाया जाएगा। अंतर इतना है कि जो मुनिराज होते हैं उनको कैसे ले जाया जाता है, जब मुनिराज की समाधि मरण हो जाती है तो कैसे जाते हैं, लेट के कि खड़े होके बैठ के, कई समाधि का। और ग्रस्त की जब समाधि होती, ग्रस्त का जब मरण होता है तो कैसे जाता है, लेट के जाता है। कारण क्या है पता आपको, जब साधु संतों का समाधि मरण होता है तो उनको बैठा के ले जाया जाता है। उसका कारण यह है कि इन्होंने पूरे जीवन में लोगों के ऊपर राज किया है तो इनको बैठा कर ले जाया जा रहा है, और गृहस्थी ने हमेशा पूरी जिंदगी सोते 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 निकाल दी है तो इसको अंत में भी सोके ले जाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर छत्तीसगढ़, सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुरमाला काला, हैदराबाद, सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन दिल्ली, अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।